गाइस, वेलकम टू मॉम्स रियल लाइफ जर्नी। दिस इज नीता कुमार। आप सबको पता है कि समर आ चुका है और समर के आते ही काफी हेल्थ इश्यू लाइक सनबर्न, डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक या लू, आई डैमेज, डायरिया, फ्लू और अदर इन्फेक्शन इजीली हो जाते हैं। हालांकि हेल्दी डाइट एंड गुड लाइफस्टाइल इन प्रॉब्लम्स को काफी हद तक दूर रख सकता है। तो गाइस, मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगी जो आपकी हेल्प करेंगे इन गर्मियों में हेल्दी रहने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और भी यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए। एंड गाइस, अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट मी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट टिप है, डू एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्चुअली बढ़ते टेम्परेचर और ड्राई वेदर की वजह से एक्सरसाइज करने का माइंड बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट फ्रेंड्स, यकीन मानिए, रेगुलर एक्सरसाइज आपको कूल और हेल्दी रखने में हेल्प करेगी। आपको सिंपल एक्सरसाइज लाइक रनिंग, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, एरोबिक्स, इनफैक्ट जुम्बा, कंटिन्यूस वर्कआउट करने में हेल्प करेंगे। तो गाइस, डोंट स्किप द वर्कआउट, बिकॉज कुछ लोग वेदर और सीजन को भी वर्कआउट ना करने का एक्सक्यूज बताते हैं। तो अगर समर में भी फिट रहना है तो नॉर्मल पसीने के अलावा वर्कआउट वाला पसीना भी निकालना पड़ेगा। सेकेंड टिप है, हेल्दी डाइट। गाइस, समर में आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। इसके लिए आप डेली फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाएं। इसके अलावा आप मोर वाटर कंटेंट फिल्ड फूड आइटम, मींस ऐसे फूड लें जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो, लाइक कुकुम्बर, बेरीज, टमाटोस, वाटरमेलन, मस्कमेलन, ऑरेंज एक्सेट्रा। डाइट में इंक्लूड करें एंड आल्सो रिड्यूस द एल्कोहल इनटेक। गाइस, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है, तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपने फ्रूट खाना स्टार्ट करा है या नहीं। थर्ड टिप है, स्टे हाइड्रेटेड। गर्मियों के मौसम में हाइड्रेटेड रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। गाइस, इसके लिए आपको अच्छी क्वांटिटी में पानी पीना चाहिए। इसके लिए आप वाटर के अलावा कोकोनट वाटर, नींबू पानी, ORS, लो फैट लस्सी जैसे हाइड्रेटेड ड्रिंक भी पी सकते हैं। और कोशिश करें कि फ्रूट का जूस निकालने से अच्छा है आप उसे नेचुरल फॉर्म में ही खाएं, जिससे जितनी भी न्यूट्रिशन है आपको डायरेक्टली मिल सके, क्योंकि जूस निकालने की वजह से काफी सारे न्यूट्रिएंट आपको मिल नहीं पाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप जूस निकालने की बजाय उसे नेचुरल फॉर्म में ही खाएं। फोर्थ टिप है, अप्लाई सनस्क्रीन। समर में यूवी रेज आपकी स्किन और आईज को डैमेज कर सकती है, तो आप हर बार बाहर निकलते वक्त सनस्क्रीन लगाना ना भूलें और कम से कम 30 SPF की सनस्क्रीन ही लगाएं, अदरवाइज स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। और हो सके तो फेस एंड हैंड्स आप कवर भी कर सकते हैं। फिफ्थ टिप है, वियर प्रोटेक्टिव आई गियर। समर की धूप से आपकी आईज को प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए हर बार बाहर जाते वक्त प्रोटेक्टिव आई गियर या सनग्लासेस का यूज करें। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है तो गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल मॉम्स रियल लाइफ जर्नी एंड आल्सो शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद अदर पीपल सो दैट दे कैन अवेयर अबाउट इट एंड आल्सो कमेंट मी अबाउट द वीडियो। थैंक यू।